So hello everyone, this is your friend and host Vivek Saini and you're watching Vivo's Auto Vlogs. So guys, आपने heading आज का topic पढ़ी लिया होगा. आज ही Renault की Captur होने वाली है launch. So मेरे साथ में है अभी Mr. Varun Tyagi जी. He is looking sales here. So over to Varun sir. हाँ, मैं Varun Tyagi आप सबका धन्यवाद करता हूँ. मैं पिछले 3 साल से यहाँ पे as a sales head हूँ. अगर हम Renault कंपनी की बात करते हैं तो ये 119 साल पुरानी कंपनी है. लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडिया के लिए तो इंडियन मार्केट में ये 5 साल पुरानी है. और इसके साथ में मैं सर को कैरी फॉरवर्ड करता हूँ कि 75 कंट्रीज में Captur ऑलरेडी रन कर रही है सक्सेसफुली और 75th वन इज द इंडिया. ये सर मैं बताना चाहूंगा. बिल्कुल बिल्कुल, अभी ये प्रोडक्ट इंडियन मार्केट के लिए नया है लेकिन ये बाकी जैसा सर ने बताया है कि ये 75 कंट्री में ऑलरेडी रनिंग है. इसके साथ में अगर कॉम्पिटिशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्रेटा इज द ओनली कॉम्पिटिशन जो सबसे तगड़ा है. उसके साथ में मैं इसको जोड़ सकता हूँ एस क्रॉस के साथ में भी. और अभी 9 तारीख को होने वाली इको स्पोर्ट भी लॉन्च, तो वो भी कॉम्पिटिशन में रहेगा. करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए. सो हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं फ्रंट एंड से. तो फ्रंट एंड पे बेसिकली आपको देखेगा कि कर्वी बॉडी इसको दी गई है. पहले स्क्वायर कैरेक्टर लाइंस यहाँ पर मिलते थे लेकिन अभी थोड़ी सी आपको लगेगा कि कर्वी बॉडी दी गई है. प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं है इस बार, फुल्ली ही आपको LEDs मिलेंगे और फ्लोटिंग आपको यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स नज़र आएंगे. वही अगर मैं इसके DRL की बात करूँ तो सी शेप में DRL मिलता है, हालांकि केवल वर्टिकल ही आपको जलती हुई नज़र आएगी. और यहाँ पर फॉग लैंप्स भी आपको LEDs ही मिलेंगी. यहाँ पर हेलोजन का कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया गया है. साथ ही साथ अगर मैं फ्रंट ग्रिल की बात करूँ तो वो भी हॉरिजॉन्टली स्लॉटेड स्माइली ग्रिल के साथ में आती है, जिसमें कि Renault का डायमंड लोगो आपको यहाँ पर लगा हुआ बड़ा सा नज़र आएगा. नीचे नंबर प्लेट ऑब्वियसली दी गई है. और सबसे नीचे की अगर मैं बात करूँ तो नीचे का जो इंजन प्रोटेक्टर है वो यहाँ पे ज़रूर मिसिंग है, लेकिन सिल्वर कलर की हाइलाइट्स के साथ में इसकी साइड स्कर्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी. जो टॉप एंड है उसी में आपको LEDs मिलेंगी, बाकी वेरिएंट्स में आपको यहाँ पे हेलोजन से ही काम चलाना पड़ेगा. बढ़ते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ. तो साइड प्रोफाइल से काफ़ी लंबी से बनाया गया है. लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो 4329 मिलीमीटर की इसकी लेंथ है और ब्रेड्थ 1813 मिलीमीटर. साथ ही हाइट की बात करूँ 1619 मिलीमीटर की इसकी हाइट है और व्हील बेस काफ़ी चौड़ा है, 2673 मिलीमीटर का व्हील बेस है. और अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 210 मिलीमीटर की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, जो टाटा नेक्सन और सफारी जितनी की बराबर है. यहाँ पर आपको डुअल डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, यानी कि फ्रंट और रियल दोनों में ही डुअल डिस्क ब्रेक्स है. व्हील्स की अगर डायमेंशंस की बात करूँ तो 215/60 R17 साइज के आपको यहाँ पे व्हील्स मिलते हैं, जो कि काफ़ी ब्रॉड है. और इस सेगमेंट में मेरे ख्याल से R17 साइज केवल XUV500 और टाटा हेक्सा के छोटे वेरियंट्स में ही मिलते हैं. तो व्हील आर्चेज ऑब्वियसली सर्कुलर दिए गए हैं, यहाँ पे रेक्टेंगुलर आपको या स्क्वायर शेप्ड में व्हील आर्चेज नहीं मिलेंगे. और अलॉय व्हील्स की अगर मैं बात करूँ तो डुअल टोन ही आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं. यहाँ पे डायमंड कट या हम कह सकते हैं कि मशीन कट ही यहां पर एलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं. साइड प्रोफाइल पे बढ़ते हैं आगे ORVMs की तरफ. तो इंटीग्रेटेड ही इसमें टर्न इंडिकेटर्स है जो कि डुअल टोन स्ट्रक्चर में आते हैं, यानी कि ऑरेंज और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में आपको यहाँ पे मिलेंगे. यहाँ पे रिक्वेस्ट बटन आपको दिया गया है ताकि आप इजीली एक्सेस कर सकें गाड़ी में, इंग्रेस और ईग्रेस में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो. और अगर मैं साइड प्रोजेक्टर की बात करूँ तो उसमें भी क्रोम की बहुत बेहतरीन फिनिशिंग की गई है, क्रोम इंसर्टेड है, वो भी पूरा एरो शेप्ड है. तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी पसंद आई. गाड़ी में आपको रूफ रेल्स यहाँ पर नहीं मिलेंगे, तो रूफ रेल्स आपको एज ए नेसेसरी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है. और सेंटर ही आपको यहाँ पे एंटेना मिलता है, शार्क फिन एंटेना. आप यहाँ से उम्मीद ना कीजिए कि आपको शार्क फिन एंटेना मिल जाएगा टॉप एंड में भी. और अगर मैं बात करूँ सनरूफ की तो सनरूफ भी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा किसी भी वेरिएंट में. गाड़ी के वेट की बात करूँ तो वेट 1250 केजीज का है, तो ज़्यादा वेटेड नहीं है गाड़ी, आपको ज़रा ओवरवेट नहीं नज़र आएगा यहाँ पे. गाड़ी के बैक प्रोफाइल की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि जो इसका
टेल लैंप है वो भी पूरी LEDs है। तो रियर LEDs देख के आपको थोड़ा सा ये नजर आएगा कि ये कुछ कुछ क्विड जैसी नजर आ रही है, क्योंकि टेल लाइट्स जो है इसकी काफी हद तक इंस्पायर्ड है क्विड से। और अगर मैं बात करूं ऊपर की प्रोफाइल की तो वो थोड़ी थोड़ी आपको डस्टर से महसूस होगी कि डस्टर से इसको कैरी फॉरवर्ड किया गया है। तो दोनों गाड़ियों का मिक्सचर ही लगती है। पीछे भी आपको क्रीम क्रोम की बहुत अच्छी फिनिशिंग दी गई है, बहुत ही अपग्रेड किया गया है इसको डस्टर के कंपैरिजन। अगर मैं बात करूं पीछे से तो क्रोमिंग आपको यहां पर भी मिलती है और क्रोम्ड ही आपको डायमंड यहां पे रेनो का लोगो मिल जाता है। साथ ही अगर मैं नीचे की बात करूं तो सिल्वर की हाइलाइट्स आपको यहां पे मिलती है। यहां पर आपको रिफ्लेक्टर्स दोनों साइड ही मिल जाते हैं, हालांकि दूसरी साइड आपको फॉग लैम्प मिलता है जो कि सुपर्ब है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो डिफॉगर्स भी इस गाड़ी में आते हैं, जो कि हालांकि इस सेगमेंट में सभी कार्स में आ जाते हैं। वाइपर्स के साथ साथ इसका वॉशर भी बहुत ही मिनिमम साइज का दिया गया है ताकि ये दिखाई ना दे। स्पॉइलर ऑब्वियसली मैं कहूंगा कि काफी छोटा डिजाइन किया गया है, साइड स्पॉइलर्स भी इस गाड़ी में मिल जाते हैं। सो ओवरऑल अगर मैं अपीयरेंस की बात करूं, इसके रोड प्रेजेंस की बात करूं, सो दिस इज गोइंग टू बी अ किलिंग कार। इंटीरियर्स की अगर मैं बात करूं तो ORVM के कंट्रोल्स आपको यहीं पे मिल जाते हैं, साथ ही साथ विंडोज के भी यहीं पर कंट्रोल ऑटोमेटिक दिए गए हैं। क्रोम ही आपको यहां से डोर ओपनर मिलता है और वाइट एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ में ये गाड़ी काफ़ी कूल नज़र आती है। स्पीकर्स हालांकि डोर में दिया गया है लेकिन ट्विटर यहां पे मिसिंग है। बॉटल होल्डर्स और मैगजीन होल्डर्स की छोटी कैविटी है, हालांकि आप यहां पे 1 लीटर से ज़्यादा बॉटल बड़ी बॉटल नहीं रख सकते। ग्रैब बहुत अच्छा दिया गया है, आप इजीली अपना हाथ इसमें डाल के इसको ईग्रेस कर सकते हैं। हालांकि गाड़ी में अभी भी मैनुअल हाइट एडजस्टर ही आता है, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल्स नहीं मिलेंगे। पेडल शिफ्टर्स जो है वो काफी अपार्टेड हैं, हालांकि डेड पेडल अभी भी इस गाड़ी में मिसिंग है। कोशिश करते हैं इनग्रेस करने की और अंदर से इस गाड़ी को पहचानने की कोशिश करते हैं। राइट साइड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हेडलाइट एडजस्टमेंट्स दिए गए हैं। इको मोड के साथ में ये गाड़ी आती है, हालांकि स्पोर्ट्स और सिटी मोड अभी भी यहाँ पे मिसिंग है। स्टेयरिंग की बात करूं तो काफी हद तक आपको वो रेनो से इंस्पायर्ड ही लगेगा और प्लेटिनम की यहाँ पे छोटी सी ब्रांडिंग की गई है। क्रूज कंट्रोल्स के बटन्स ही आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके साथ राइट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल्स के रिज्यूम और ऑप्शंस के भी बटन्स यहाँ पे मिलते हैं, साथ ही साथ वॉइस रिकॉग्निशन भी इस गाड़ी में दिया गया है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन के साथ में ये आती है, सो ये किया मैंने 2 बार इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन को और ये इग्निशन मोड पे अभी चला गया है। जो इसका मीटर है, जो इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है, वो मेरे को काफी पसंद आ रहा है क्योंकि इसका जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है वो एलियन शेप में डिजाइन किया गया है। आपको UFO की थोड़ी सी यहाँ पे स्टांस नजर आ सकता है। लेफ्ट साइड में टैकोमीटर दिया गया है, हालांकि राइट साइड में आपको फ्यूल इकोनॉमी गोज ही दिया गया है। बीच में आपको डिजिटल आपको स्पीडोमीटर यहाँ पे मिल जाता है और MID की अगर मैं बात करूं तो वो भी नाइसली प्लेस्ड है। एवरीथिंग इज वेल प्लेस्ड इन दिस इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। सो अगर मैं MID की बात करूं तो यहाँ पे डिस्टेंस 20 किलोमीटर पर लीटर यानी कि अपनी फ्यूल इकोनॉमी और ऑडोमीटर्स एंड 2 ट्रिप मीटर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। गाड़ी के अंदर टिल्ट स्टेयरिंग व्हील तो है लेकिन टेलीस्कोपिक नहीं है, तो ये चीज यहाँ पे रेनो को जरूर मैं कहता हूँ कि इम्प्रूव करना चाहिए था और उनको टेलीस्कोपिंग यहाँ पे जरूर डालना चाहिए था। ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि आपको क्लीनलीनेस बहुत यहाँ पे मेंटेन करनी पड़ेगी। अभी भी आप देख सकते हैं जो इसका हैंडरेस्ट है वो काफी डर्टी हो चुका है, जबकि ये अभी गाड़ी रिलीज आज ही हुई है। बात करूं तो आपको सिंपल हैंडरेस्ट मिलता है, इसमें कोई कैविटी नहीं है, आप इसमें अपना कोई भी स्टोरेज नहीं देख सकते हो। इसके साथ हैंड ब्रेक भी आपको काफी इरिटेट कर सकता है लगाते समय, बिकॉज आपको अपना हाथ जो है लेफ्ट या फिर राइट में ही रखना पड़ेगा हैंड ब्रेक लगाते समय, बिकॉज वो थोड़ा सा यहाँ पे स्टक कर सकता है। सो हैंड ब्रेक मेरे को थोड़ी सा इल प्लेस लगा कि हैंड ब्रेक की पोजीशनिंग थोड़ी सी आगे करनी चाहिए थी ताकि आपका हाथ यहाँ पे फ्री हो सके। इसके बाद बात करते हैं कि ये 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आता है, यानी कि मैं डीजल वेरियंट अभी चला रहा हूँ, पेट्रोल एंड इसका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आता है। और ये है इसकी एक्सेस कीज, तो एक्सेस कीज के साथ में ये गाड़ी आती है, आप इसको इजिली यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको छोटे कप होल्डर्स मिल जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की, तो यहाँ पे पूरा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की यूनिट दी गई है। ये यूनिट आपको कम्प्लीटली इंप्रेसिव लग सकती है क्योंकि लाइटिंग का बहुत अच्छे तरीके से अरेंजमेंट किया गया है ब्लोअर वॉल्यूम्स के ऊपर। और अगर डिफरेंट डिफरेंट मोड्स की बात करूं तो वो आपको यहीं पर पूरा सेगमेंट मिल जाता है। लाइटिंग का बहुत अच्छी तरीके से अरेंजमेंट किया गया है आई वुड से, तो मेरे को ये चीज बहुत अच्छी लगी। 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आपको यहाँ पे मिलता है, स्मार्टफोन इंटीग्रेशन के साथ में आता है ब्लूटूथ और GPS नेविगेशन आपको यहाँ
पे मिल जाते हैं। और स्टैंडर्ड जो इस गाड़ी में दिया गया है वो है एक तो इलेक्ट्रॉनिकली स्टेयरिंग व्हील, क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड मिलता है, एंड इलेक्ट्रॉनिक ओवरव्यूज भी आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड दिए गए हैं। अब बढ़ते हैं ग्लव बॉक्स की ओर। तो ग्लव बॉक्स का रिएक्शन मुझे थोड़ा अनइम्प्रेसिव लगा क्योंकि बहुत छोटी कैविटी है, हालांकि उसको बहुत ब्रॉड वे में डिजाइन किया गया है, लेकिन ये चीज जो है ना कम्प्लीटली यूजलेस रखी गई है। कैविटी थोड़ी छोटी है, ओबीडी स्लॉटिंग वहां पे आपको अंदर ही मिलती है, हालांकि ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है तो उस हिसाब से बॉटल के हिसाब से डिजाइन बहुत अच्छा किया गया। इसके साथ साथ आप यहाँ पे अपना वॉलेट और अपना मोबाइल वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। 12 वोल्ट का आपको यहाँ पे डीसी सप्लाई मिल जाती है, हालांकि आपको यूएसबी का केवल एक ही पोर्ट यहाँ पे नजर आएगा। यहीं पर आपको दिया गया है डोर्स ओपन एंड क्लोज का बटन, और हैजार्ड लाइट भी यानी कि पार्किंग लाइट्स भी आपको यहीं पर मिल जाती है। अब बात करते हैं IRVM की। तो IRVM इस गाड़ी का जो है वो कम्प्लीटली मैनुअल है, आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक IRVM नहीं मिलता है। जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि जो रीडिंग लैंप्स है वो कम्प्लीटली LEDs हैं, जो सन ग्लासेस होल्डर है वो यहाँ पे मिसिंग है। अगर मैं बात करूँ सन वाइजर की तो यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर मिल जाते हैं, साथ ही साथ आपको लाइट भी मिलती है, और ये चीज दोनों जगह है, यानी कि आप पैसेंजर साइड की अगर बात करें तो वहां पर भी आपको वैनिटी मिरर्स मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर मैं अंदर की बात करूं तो मुझे गाड़ी ये काफी इंप्रेसिव लग रही है। बस एक चीज जो मुझे थोड़ी सी गलत लग रही है इस कार में वो है एक तो इसका हैंडरेस्ट, और दूसरा जो इसका व्हाइट और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है वो बहुत केयरफुली आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। चलते हैं सेकंड रो की तरफ। तो सेकंड रो में भी आपको छोटी कैविटी यहाँ पे मिल जाती है, हालांकि वो हाफ लीटर बॉटल के लिए ही कैपेबल है। इसके अलावा आपको विंडो के कंट्रोल्स यहाँ पे मिलते हैं और छोटी सी ग्राफिक्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। इंक्रेस करने की कोशिश करते हैं और लेग रूम को रीड करते हैं। तो लेग रूम इज क्वाइट सफिशियंट, मेरे लिए काफी है, इनफैक्ट मैं कहूंगा 6 फीट से ज्यादा लोग के लिए भी ये काफी है। हेडरूम की अगर बात करते हैं तो हेडरूम आपको बहुत जेन्युइन मिलने वाला है। यहाँ पे हेडरूम की आपको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, अनटिल एंड अनलेस आप 6.5 फुट से ज्यादा लंबे हों। पीछे आपको जो है एसी वेंट्स मिल जाते हैं, हालांकि वो बहुत छोटे डिजाइन किए गए हैं और इंडिविजुअल कंट्रोल्स आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं, तो ये चीज थोड़ी सी पुअर है। हालांकि 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई यहाँ पर भी गायब है, जिसको यहाँ पर प्लेस किया गया है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो। सो यहाँ पर 5 persons कैन इजिली सिट, हालांकि उनको थोड़ी सी महसूस होगी दिक्कत। आप बात करते हैं अंदर भी, यहाँ पर आपको 3 lights दी गई हैं, दो तरफ आपको हेड रिस्ट्रेंट्स दिए गए हैं और बीच वाले पर्सन के लिए हेड रिस्ट्रेंट्स मिसिंग। सो यहाँ पर जो है कॉस्ट कटिंग जरूर की है रेनो ले। इसके साथ में अगर मैं हेडरेस्ट की बात करूं तो वो भी काफी कुशन्ड है, और बॉटल होल्डर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अंडर थाई सपोर्ट इस गाड़ी का काफी मुझे अच्छा लगा। आप अगर 6 फुट के पर्सन हो तो शायद आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है अंडर थाई सपोर्ट को लेके, लेकिन 6 फुट से नीचे वाला पर्सन आप यहाँ पर बहुत कंफर्टेबली बैठने वाला है। जो इस गाड़ी का फ्लोर हम पे वो भी जेन्युइन है, ज्यादा बड़ा आप नहीं कह सकते उसको, बट हाँ ये इरिटेट नहीं करने वाला है बीच वाले पैसेंजर को ज्यादा। इस गाड़ी पे जो स्टैंडर्ड दिए गए हैं ना वो है डुअल फ्रंट एयरबैग्स, और साथ ही साथ में ABS विद EBD भी यहाँ पे स्टैंडर्ड दिए गए हैं। ब्रेक असिस्ट भी यहाँ पे सेफ्टी के तौर पे यहाँ पे दिया गया है, और हिल स्टार्ट असिस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी इस गाड़ी में आपको अवेल कर दिया गया है। अब चलते हैं गाड़ी की बूट की तरफ। तो मैं यहाँ से बूट ओपन करता हूँ इसका और देखते हैं। एक यहाँ पर रिक्वेस्ट बटन आपको नजर आ रहा होगा, रिक्वेस्ट बटन एक यहाँ पे दिया गया है। सो 392 liters का इसका बूट है। बूट मुझे काफी इंप्रेसिव लगा क्योंकि आप यहाँ पे इंडिविजुअली ही स्टेपनी को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके नीचे एक रोटेटर है, आपको स्पिन करना पड़ेगा और नीचे से स्टेपनी इसकी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। इसके साथ अगर मैं बात करूँ तो टूल बॉक्स यहाँ पर दोनों ही एंड पे मैनेज किए गए हैं, तो ये चीज थोड़ी जो प्लेसिंग है ना, मैंने बोला कि रेनो की प्लेसिंग जो है वो काफी अच्छी तरीके से दी गई है, और आपको यहाँ पर एक कार्गो लाइट भी मिल जाती है। सो द मोमेंट यू ओपन दिस, दिस कार्गो लाइट विल ऑटोमेटिकली स्विच ऑन। कमी जो मुझे इस गाड़ी में लगी वो है 60:40 में के रेशियो में ना फोल्ड होने वाली सीट्स, तो ये चीज जरूर मैं कहूंगा रेनो को यहाँ पे डालनी चाहिए थी। इसके साथ साथ हेड रिस्ट्रेंट्स भी आपको दो ही जगह मिलते हैं, बीच में आपको हेड रिस्ट्रेंट्स भी नहीं मिलते हैं, तो ये छोटी छोटी जगह है जहाँ पे ये आपको लगेगा कि शायद प्रॉपरली नहीं मेंटेन की गई है। बढ़ते हैं गाड़ी के इंजन की तरफ। तो यहाँ पर इसका बोनेट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ब्रांडिंग एज सच नहीं की गई है आपको हाईलाइट करने के लिए। सबसे पहले क्योंकि ये है एक डीजल इंजन, तो हम पहले डीजल इंजन की बात कर लेते हैं। ये जो डीजल इंजन है या फिर पेट्रोल इंजन, दोनों ही इंजन कैरी फॉरवर्ड किए गए हैं रेनो की डस्टर से, तो सेम एक्सपीरियंस आपको इंजन के साथ में यहाँ पे मिलने वाला है। K9 के प्लेटफॉर्म के ऊपर इस डीजल इंजन को इन्वेंट किया गया था, और 1498 cc की ये इंजन है,
और जो प्रोड्यूस करती है 108 bhp की पावर 4000 rpm पे। और अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क यहां पे आपको 1750 rpm पे मिल जाता है। साथ ही साथ ये गाड़ी आती है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। यहां पर AMT सेगमेंट अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, उसकी उम्मीद है कि वो पेट्रोल एंड में हो सकता है। अगर मैं पेट्रोल इंजन की बात करूं तो वो 105 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है। सेम 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो डस्टर में आपको मिलता है, जो कि H4K टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। 105 bhp वो प्रोड्यूस करता है 5600 rpm पे और 142 न्यूटन मीटर टॉर्क 4000 rpm पे आपको यहाँ पे प्रोड्यूस करता हुआ नजर आएगा। इसके साथ में अगर मैं बात करूँ तो ट्रांसमिशन आपको मैनुअल ही इंट्रोडक्टरी मिलेंगे, उसके बाद में शायद पेट्रोल एंड में AMT नेक्स्ट ईयर आ सकता है। 5 स्पीड आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ये गाड़ी आएगी, जिसका फ्यूल कैपेसिटी है 50 लीटर्स। सो गाइस, मेरे ख्याल से आपको रिव्यू काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो हिट करना ना भूलिए लाइक बटन, और अगर आप मेरे चैनल पे हो नए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल। अगर आप दिल्ली NCR से ही बिलोंग करते हैं तो क्रिस्टल ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड आपके लिए बेस्ट डील लेके आ सकता है। वरुण जी का मैं आपके यहाँ पे नंबर डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, और आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी सारी बता दूंगा। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग कार, ड्राइव सेफ, सेफ्टी को प्राइम इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि शायद आपके परिवार वाले आपका इंतजार कर रहे होंगे घर पर। Until for the next time, bye-bye.